हेलो दोस्तों, मैं हूं मुन्ना। और मैं हूं नाना। आज मैंने और मुन्ना ने बहुत ही अच्छा ट्रेलर देखा जिसका नाम है ओ माय गॉड का पार्ट दूसरा। अरे नाना, आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में? अरे वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बस यही हाल हो गया था अपने अक्की यानी कि डार्लिंग अक्की की मूवी ओ माय गॉड 2 का। अरे नाना, आप कहना क्या चाहते हो? अरे देखो, पहले अक्षय कुमार एंड टीम ने सोचा कि ओ माय गॉड 2 को लाते हैं ओटीटी पे, फिर सोचा कि चलो ना सिनेमा घर में जाते हैं। तो सिनेमा घर में जैसे ही रिलीज पे रखा ना, वैसे ही सेंसर बोर्ड ने इसके ऊपर कैची चलाना शुरू कर दिया। अरे नाना, क्या बात कर रहे हो आप? अरे सच में यार, 27 कट, कोई कह रहा है 20 कट, इतना सारा कट मारा, बोला कि उज्जैन का नाम नहीं आना चाहिए। और एज अ महादेव जो अक्षय कुमार होने वाले थे ना, आपको महादेव का दूत बन के आना होगा इसके अंदर। क्या बात है नाना। और नहीं तो क्या यार, इतना सब कुछ चेंज कर दिया भाई, ये सब एक मूवी की वजह से हुआ जो आई थी ना अभी। अरे हाँ नाना, वो मूवी का सदमा तो पूरी दुनिया में ऐसा लगा है ना कि सबकी लग चुकी है, तो इसी की वजह से ओ माय गॉड 2 मूवी ऐसी लटकती वटकती आ गई। अरे लटकती बटकती नहीं, फैंस के प्रेम की वजह से आ रही है सिनेमा घरों के अंदर। हाँ बात तो सही है, अक्षय कुमार के फैंस बहुत ज्यादा है और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ट्रेलर के बारे में बात करें उससे पहले इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, और यम्मी यम्मी गौतम भी है यहाँ पे। अरे नाना यामी गौतम, अरे मुझे पसंद है इसलिए यम्मी यम्मी गौतम। अरे नाना आपको तो हर लड़की पसंद आती है। अरे वो सब जाने दे, ट्रेलर बहुत मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से एडिट करके ट्रेलर को डाला है भाई। और ट्रेलर में जो डायलॉग बोलते हैं ना भाई, सब आशीर्वाद नहीं पैसा मांगता है, पैसा दे पैसा दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कचौरी वाला होता है। अभी महादेव के भक्त एज अ अक्षय कुमार कचौरी लेते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। अभी महादेव से या उनके भक्त से अगर आशीर्वाद मिले तो वो बोलता है नहीं, मुझे पैसा चाहिए। आज के जमाने में भगवान भगवान ही, मेरे को पैसा चाहिए। मतलब कि अभी के टाइम की सच्चाई दिखाई यहाँ पे, किसी को किसी पे ऐसा भरोसा जैसा नहीं है आज के टाइम पे, ऐसा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा हिंट वाला हिंट दिया है। यहाँ पे ट्रेलर में दिखाया जाता है कि पंकज त्रिपाठी भोलेनाथ के बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम वाले भक्त, और उनकी फैमिली में उनका लड़का होता है ना, उसका एक पर्सनल वाला वीडियो वायरल हो जाता है। फिर तो आप सबको पता ही है, अगर वीडियो वायरल हुआ ना तो फिर लग जाते हैं, समझ गए ना। ऐसे उस बच्चे के लग गए और साथ में उसके पापा के भी लग गए। प्रिंसिपल ने बोला गेट आउट, आपको हम स्कूल में से निकाल देंगे। अच्छा है। अरे क्या नाना अच्छा है। अरे डायलॉग है मेरा, अच्छा है। और उसी तरीके से उसको स्कूल में से निकाल दिया। तो पंकज त्रिपाठी जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट के एक दरवाजे ऐसे खटखटाते हैं और उनकी मदद करने स्वयं भोलेनाथ के दूत यानी कि अक्षय कुमार आते हैं। हाँ वो बात तो सही है, अभी वीडियो में क्या था क्या नहीं था वो तो मूवी में देख के ही पता चलेगा। बाकी जिस तरीके से अक्षय कुमार की एंट्री दिखाई है ना, पानी में से बाहर आता है, वो मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारे डायलॉग ऐसे भी है जो आपको ओ माई गॉड पार्ट 1 की याद दिलाएंगे। जैसे कि पार्ट 1 में वो बिजली और अंबानी वाला था ना, वैसे ही यहाँ पे वो ट्रक और टाटा वाला है भाई। वो मुझे सब पर्सनली हिट नहीं हुआ भाई, सेम टू सेम पप्पी पप्पी सेम हो गया मेरे लिए तो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ डायलॉग भी है जो पहले जैसे लगते हैं तो उनमें ऐसा पंच या मज़ा नहीं आया। बाकी ओवरऑल देखने जाओ तो पूरे ट्रेलर में बैकग्राउंड में हर हर महादेव जो बजता था वो मुझे अच्छा लगा। इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी लगी। यहाँ पे सबके कॉस्ट्यूम, आर्ट डिज़ाइन और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन भी मुझे यहाँ पे ट्रेलर में देख के अच्छा लगा। बाकी आई होप कि ये मूवी वो मूवी जैसी ना हो। अरे मुन्ना तू वो मूवी की बात मत कर यार, वो मूवी ने सबके वांढे लगा दिए थे भाई, वैसा नहीं होना चाहिए इसके साथ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इसका डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और जो बात कहनी चाहिए वो सही तरीके से प्रेजेंट की ना, तो ये मूवी बहुत अच्छी साबित होगी। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो पब्लिक सबका ऊपर नीचे कर देगी भाई, ये पब्लिक है सब जानती है, ऐसे ही नहीं गाना बना। तो मुझे तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट में बता सकते हो आप, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।